नमस्ते प्रणाम, माई की शरण यादव। जितने भी मुझे प्यार करने वाले लोग हैं सबको दिल से कहेंगे हो कि आप लोगों ने पूरे इंडिया में पहला ऐसा मेल सिंगर हुआ अपनी भोजपुरी का जो दूसरे नंबर पे है। पूरे इंडिया के चार्ट में सिंगरों में दूसरा स्थान अलका याग्निक का पहला है और मेरा दूसरा है। भोजपुरी का मेल सिंगर का पहली बार ऐसा अवसर हुआ है अपने भोजपुरी समाज को मिला है, तो दिल से मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे अपने बेटे से भी बढ़ के मानते हैं, अपने भाई से भी बढ़ के मानते हैं। और मेरा कोको कोला शौक मुझे लगता है कि वर्ल्ड में पहला स्थान या इंडिया में पहला स्थान है, वर्ल्ड में टू ऐसा ही कुछ है, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में। तो ये हमारी उपलब्धि नहीं बल्कि हमारे भोजपुरी समाज की उपलब्धि है कि आप लोगों ने इस लेवल पर अपने बेटा को अपने भाई को पहुँचा दिया। और आज एक मेरा बहुत खूबसूरत सिनेमा रिलीज हुआ है, सिनेमा का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है रॉडी एस्पेक्टर, जो मैंने साउथ में किया था। और बहुत सारी बातें हैं, मैं आज लाइव किसी के विवाद के लिए नहीं आया हूँ। और ठीक है, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये हमारी उपलब्धि है। मैं हंसता बहुत हूँ क्योंकि मुझे हंसने आता है। पूरी दुनिया की आर्टिस्ट क्यों ना खेसारी के विपक्ष में हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जनता, मेरी भगवान स्वरूप की जनता मुझे बहुत मोहब्बत करती है। और मैं अपने फैंस से बोलना चाहता हूँ जो मुझे मोहब्बत करते हैं कि अभी छोटी छोटी चीज़ों पर आप लोग भी ध्यान देना बंद करिए, क्योंकि कुछ लोगों को हाईलाइट होना है मुझे गाली देकर ही। तो ठीक है, अच्छी बातें हैं। जब ये मुंह का शटर खुलता है ना, तभी समझ में आ जाता है कि इंसान सोने की दुकान है कि ये कोयले की दुकान है। तो ठीक है, जिसका जो संस्कार होता है उस हिसाब से प्रेजेंट करता है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें कोई किसी को गाली दे सकता है क्योंकि वो तो बंद कमरे में होता है, बाहर तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि बंद कमरे में तो हम प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, तो हम सबका जवाब देते चलेंगे तो शायद हम अपने काम से भटक जाएंगे। ये हमारी उपलब्धि है जो आप लोगों ने दिखाया है, क्योंकि पूरे इंडिया में नंबर टू हो जाना, इतने सारे सिंगरों के बीच में पूरे सर्चिंग में नंबर टू हो जाना, ये छोटी बात नहीं है। अब ये छोटी मानसिकता के लोगों को समझ में नहीं आएगी कि खिसारी कितना मेहनत करता है। ठीक है, भगवान सबको देखता है। ठीक है, मैंने अगर कोई गलत किसी का किया होगा तो शायद मेरा विद्रोह हो रहा है, अच्छी बात है। ये तो एक सच्चाई है कि मुझे कोई भी सोशल मीडिया पे गाली दे दे, मेरे परिवार के बारे में बोल दे, एक भी आदमी मेरा सपोर्ट नहीं करता है मेरे फैन के अलावा। मेरी जनता ही है जो मुझे सपोर्ट करती है। और सबके घर में माँ बहन बेटियाँ हैं। ठीक है, अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं खेसारी को गाली देना और खेसारी को गाली देकर हम नीचे कर सकते हैं, आप कोशिश करिए, शायद आपकी गाली से मैं नीचे हो जाऊँ। बट ऐसा होता तो दुनिया प्रधानमंत्री के भी कुर्सी को हिला सकती थी गाली देकर, बट ऐसा है नहीं। आप काम करिए, बेहतरीन काम करिए ताकि आप भी नंबर वन बनिए। मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी का ही कोई कलाकार नंबर वन बने, हमें तो खुशी होगी उस बात से। देखिए, भोजपुरी के लोग भोजपुरी के लोगों को गाली देंगे तो ये कहाँ तक सत्य है? हमारी भी माँ है, हमारी भी बेटी, हमारी भी बहन है। मुझे दुख होता है इस बात से कि हमारे ही लोग, हमारे ही क्षेत्र के लोग, हमारे ही भाषा के लोग अपने कलाकार की इज्जत नहीं करते, अपने कलाकार की माँ बहन को गालियाँ देते हैं। ठीक है, हमें उस माँ को प्रणाम है जिस माँ के कोख से पैदा हुए, उस बहन को सलाम है जिसने आपके कलाई में राखी बांधी, उस बेटी को सलाम है जिसने आपके वाइफ के कोख से पैदा हुआ है। उस बिटिया रानी को भगवान और उन्नति दें। खुदा ना खास ऐसे किसी की माँ बहन को गाली, आपकी भी माँ बहन को मैं सबसे कहना चाहता हूँ, किसी को गाली आप मत दीजिए। ठीक है, जिसको लगता है ये मेरी उपलब्धि आप लोगों ने बता दी है कि खेसारी की उपलब्धि क्या है, क्योंकि मेरी उपलब्धि मेरे काम से जानी जाती है। एक भी आदमी भोजपुरी का मेरे पक्ष में नहीं बोलता है, तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपका भाई कितने आगे है। सबको खेसारी को ही पीछे करना है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी जनता रूपी श्रोता मेरी जब तक मोहब्बत दे रही है, प्यार कर रही है, किसी के गाली देने से और किसी की बेइज्जत कर देने से मेरा कद छोटा नहीं हो रहा है, मैं बढ़ रहा हूँ डे बाई डे। अगर आपको लगता है कि आप खेसारी को गिरा सकते हैं और मार्केट से ख़त्म कर सकते हैं, तो आप खेसारी से ज़्यादा दौड़िए, खेसारी से ज़्यादा वर्क करिए, शायद आप मुझे पीछा कर पाएंगे। लेकिन गाली दिलवा कर, गाली दे कर आपको लगता है कि आप मुझे पीछे करेंगे, तो ये सपना आप भूल जाइए, चाहे जो भी लोग हैं, अच्छी बातें हैं।
आप मेरे बारे में, आपको लगता है कि मैं गलत किया हूँ तो आप मेरे बारे में बोलिए, लेकिन मुझे लगता है कि किसी के घर परिवार में, आपके भी परिवार है, आपकी भी माता बहन बेटियाँ हैं, आपके शब्दों को सुनते होंगे तो उनको क्या लगता है। तो मैं ज़्यादा अपने फैन से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, और अगर कोई गलती करता है तो उसके भी है ना कानून है ना। अब तो बहुत दिन बर्दाश्त नहीं भी कर लिया, अब चीज़ें नहीं हो पा रही है कि जब घर तक बातें चली गई, हम इतने कमा कर ही क्या करेंगे, जब हमारे परिवार का सम्मान दुनिया नहीं करेगी, कुछ लोग नहीं करेंगे, दुनिया तो करती है, तो ठीक है ना। ये सबके लिए कानून बना हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं गलत करूँगा तो मेरे लिए भी कानून है, अगर कोई दूसरा गलत करता है तो उसके लिए भी कानून है, तो मैं जीकर ही क्या करूँगा जब मेरा सम्मान कुछ लोग नहीं करेंगे, और मैं किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, आज पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर सर्च हो रहा हूँ, सिर्फ अपने फैन के बदौलत, अपने भगवान के बदौलत। आज रॉडी इंस्पेक्टर का मेरा ट्रेलर रिलीज हुआ है, आप लोग इतना प्यार दीजिए, और कोको कोला को आप लोग प्यार दे रहे हैं, हरदिया को प्यार दे रहे हैं, कल एक और गाना मेरा सारे का हम भोजपुरी पर रिलीज हो रहा है, नथुनिया कमाल का पिया, ये मेरा वर्क है, ये मेरी मेहनत है कि आप सबके बीच में डे बाई डे मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया करता हूँ, अपने आप को थकने नहीं देता मानसिक रूप से, और हंसना आता है मुझे, मुझे बहुत हंसने आता है, अगर मेरा कोई विरोध करता है तो मुझे हंसना आता है और मज़ा आता है मुझे कि कर भाई तू, क्योंकि तू विरोध ही कर सकता है, मेरे इतना काम तो कर नहीं सकता, तुम्हारे पास एक ही अवसर है कि काम से तो पीछे हम खिसारी को कर नहीं सकते, और मैं सबको बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे विरोध करने वाले लोग हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ कि जितना टाइम तुम विरोध करने में लगाते हो उतना टाइम अपने वर्क पे लगाइए, आप शायद आपके सारी सागे हो सकते, बट कोई नहीं, ये समय है और सबके लिए भगवान है, पाप का घड़ा जब भरता है ना तो एक ना एक दिन वो फूटता है, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई भी आदमी हो। मुझे लगता है कि सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए, आपको आज़ादी मिली है सोशल मीडिया पे, सोशल साइट पे, तो आप अपने विचारधारा को रखिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, बट अपने विचारधारा ऐसे रखिए चाहे जिससे किसी व्यक्ति को तकलीफ ना पहुँचे, किसी की माँ बहन को तकलीफ ना पहुँचे, हमारी माँ बहन जिस तरह है आपकी भी माँ बहन है, आप उसकी भी सम्मान करिए, सबकी माँ बहन का सम्मान करिए, किसी की गाली देने से कोई छोटा नहीं होता है, बट कोई नहीं, अब जब हो गई है तो कोई बात नहीं, कानून है सबके लिए, अब कानून सबको बताएगा कि हाँ भाई क्या है, क्योंकि मैं बर्दाश्त करता रहा अब नहीं हो पा रहा, अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, और अपने काम के लिए तो दौड़ता ही हूँ और दौड़ता ही रहूँगा, इससे पीछे मुझे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मेहनत करने आता है, आपके अंदर औकात है, आपकी क्षमता है, तो आप मुझे मेहनत से पीछे करिए, जुबान से नहीं, जुबान तो भाई जुबान में मेहनत तो लगता नहीं है, किसी को गाली देने में मेहनत तो लगता नहीं, बट कोई नहीं, चाकू राखे साइयां मार सके ना कोई, तो यह वही जो राम रची राखा, जो बिना हरि कृपा त्रिन न डोले, बिना प्रभु के कृपा के पत्ता नहीं हिलता है, और प्रभु मैं कितना मेहनत करता हूँ उसका फल आप सबके बीच में है, पूरे वर्ल्ड में कोको कोला नंबर वन पे गाना बन गया है, तो इसका मतलब कि हमें प्यार करती है दुनिया, चंद लोगों के प्यार ना करने से और करने से मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे प्यार करिए, मैं आपका कभी भी बिगाड़ा नहीं हूँ, आपका कभी बुरा नहीं चाहा, अभी तक तो नहीं चाहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें बहुत ऊपर तक जा रही है, और मुझे लगता है कि मेरा ना बोलना कुछ लोगों को लगता है कि मैं डरता हूँ, मैं डरता नहीं, मैं सम्मान करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति को कुछ हो, भोजपुरी समाज के किसी भी व्यक्ति को कुछ हो, या कोई गलत कदम मैं उठाऊँ, और मुझे गलत, मैं गुंडा बदमाश तो हूँ नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कलाकार हूँ, जो लोगों के दिल का मनोरंजन करता हूँ, उनके दिल में रहने की कोशिश करता हूँ, बट कोई नहीं, आपको लगता है कि आप गाली देकर बहुत बड़ा हो सकते हैं, या किस गाली दिलवा कर आप बहुत बड़ा हो सकते हैं, तो वेलकम टू यू, आप गाली देते रहिए, मैं वर्क करता रहूँगा, और बाकी जो चीज़ें हुई वो तो कानून सबका जवाब देगा, तो जय हिंद जय भारत, ऐसे ही आप अपने बेटा को नंबर वन पे पहुँचाइए, ताकि लोगों को कितना जलन होती है अब आप सबको दिखाना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आज रॉडी इंस्पेक्टर का ट्रेलर रिलीज हुआ है, आप इतना प्यार दे दीजिए हरदिया को, इतना प्यार दे दीजिए, जितने भी मेरे गाने हैं इतना प्यार दे दीजिए कि अगले हफ्ते तक खेसारी लाल यादव नंबर वन बन के आप सबके बीच में आए, आज उसके बाद इनको खुद ही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये काम से पीछा तो कर नहीं सकते, तो देखते हैं इनकी जुबान और कितनी चलती है, और मेरे पास भी कानून है भाई, सबके लिए कानून बराबर है, अब हम भी सोचते हैं
कि आगे क्या करना है। अब कानून का सहारा तो मुझे लेना ही पड़ेगा, बट कोई नहीं, आज आप लोगों ने खेसारी को पूरे इंडिया में नंबर टू पे रखा। भोजपुरी का कोई पहला ऐसा मेल सिंगर होगा जो नंबर टू हुआ है अभी तक। भोजपुरी जब से स्टार्ट हुई है, तब से जब से यूट्यूब आया है, तब से आप लोगों ने खेसारी को टॉप 10 से कभी हटाया नहीं। ये आपकी मोहब्बत है, तो मुझे लगता है कि जल्दी से आप लोग मुझे नंबर वन बनाएंगे, ये मेरी आशा नहीं है, विश्वास है। और आप बाकी चीज़ों पे फोकस मत करिए, ये चाहते हैं कि आप लोग डाइवर्ट कहीं और हो जाए और हमारी चीज़ों को कम देखा जाए, कम सुना जाए। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अपने भाई को जिस तरह प्यार देते हैं उसी पे फोकस करिए, और अपना प्यार और आशीर्वाद जिस तरह हमेशा बना के रखें वैसा ही रखिए। और अगले हफ्ते कोशिश करिए कि आपका भाई नंबर वन सर्चिंग में आ जाए, पूरे इंडिया में नंबर वन हो और पूरे वर्ल्ड में नंबर टू हो जाए, और कोशिश करिए बस। और इनको हम अपने काम से और अपने ऊर्जा से ही जवाब दे सकते हैं, ये जलेंगे, जितना हम बढ़ेंगे उतना ही दुश्मन पैदा होंगे। तो ठीक है, अच्छा है, होने दीजिए, बट आप लोग अपने मिशन से मत भटकिए। आप अपने भाई को जितना प्यार देते हैं इस प्यार को और चौगुना कर दीजिए, ताकि देखते हैं कि ये और क्या क्या कर सकते हैं। लव यू ऑल, थैंक यू। और कल एक रिलीज हो रहा है गाना मेरा नथुनिया सारेगा वहाँ भोजपुरी से, तो उसको इतना प्यार दे दीजिए एक दिन में कि एक इतिहास कायम आए। और कोको कोला को तो आप लोगों ने इतना बड़ा कर दिया कि मुझे लगता है कि इस साल का सबसे बड़ा बिगेस्ट हिट है। और जो सारेगा वहाँ भोजपुरी से भी रिलीज हो रहा है, और एक गाना मेरा ग्लोबल जंक्शन से रिलीज हुआ है, उसको भी आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए और देखते हैं आगे क्या होता है। लव यू ऑल मेरे भगवान, ऐसे ही मोहब्बत अपने बेटा को करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।